लोग देशवासियों, मैं चैतन्य शर्मा सेवी क्लास का विद्यार्थी जिया लाल मित्र डीएवी पब्लिक स्कूल गुरदासपुर विच पढ़ता हाँ। आज मैं तुहानू सारयां नू करोना वायरस दे कारण होए लॉकडाउन तो बाद साडे आम जीवन विच होने वाले परिवर्तन बारे गल करांगा। इस लॉकडाउन दौरान मैनू पता लगा है कि वायरस हमेशा तो ही साडे जीवन का हिस्सा हैं। असि इन्हों खुद जाने अनजाने अपनी भोजन लड़ी का हिस्सा बनाया है। एच आई वी करोना वायरस H1N1 वर्गे वायरस साड़ी गलती कारण जानवर तो इंसानों में आ रहे हैं। इन्होंने बहुत भयानक तबाही मचाई है। लॉकडाउन नू एक ना एक दिन खत्म करना साड़ी मजबूरी है, पर इस नाल सानू करोना वायरस तो बचा ले अपना रहन सहन बदलना पड़ेगा। मास्क सैनिटाइजर हर चंगी तरह धोन की आदत नू अपने जीवन का हिस्सा बनाना पवेगा। इस दे नाल नाल सानू अपने शरीर की बीमारियों नाल लड़न की ताकत नू भी बढ़ाना पवेगा। इसलिए सानू सारयां नू योग अते कसरत नू अपने जीवन का हिस्सा बना के रहना पवेगा। सानू अपने खान पीन की आदतां भी बदलनिया पैनिया ताकि साडा शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि खतरनाक वायरस जानवर तो इंसानों में आने। इसलिए शाकाहारी बनना ही इन्हें तो बचा का एक वधिया साधन है। अपने आले दुआले की सफाई रखना ते जनतक थावां ते ना थुकना साडे सारे दी जिम्मेवारी है। आले दुआले की सफाई रखने वास्ते सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाने पैणगे। देश विच सेहत अते एमरजेंसी सहूलतां विच भी बहुत वड्डे बदलावां दी लोड़ है। अंत विच सानू डार्विन दा सिद्धांत याद रखना चाहिदा है, जो सेहतमंद है ओही जिंदा रह सकदा है। इसलिए सानू हमेशा साफ अते तंदुरुस्त रहना चाहिदा है अते अपना आला दुआला साफ रखना चाहिदा है ताकि करोना वायरस वर्गे वायरस साडा कुछ ना बिगाड़ सकन। आप सब दा धन्नवाद। जय हिंद।